दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं लॉन प्लैनेट लॉन ऐप की रियलिटी को, जिसकी रेटिंग 5.0 स्टार की है और लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। अगर आप भी इस ऐप से लॉन लेने की सोच रहे हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन जरूर से सुन लीजिएगा, मे बी आपका इरादा चेंज हो जाए, क्योंकि भाई इस लॉन ऐप की रियलिटी बताने वाला हूं आप लोगों को। और इसके अलावा अगर आप रीपेमेंट करने की सोच रहे हैं तो भी इस वीडियो कंप्लीटली जरूर देखिएगा, कुछ टिप्स बताने वाला हूं इसको फॉलो करना है आपको रीपेमेंट करने के समय में। देखिए दोस्तों 5.0 स्टार की इसकी रेटिंग है और जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे डेटा शेयरिंग के बारे में लोगों ने लिखा है, ये आपकी जो है डेटा को शेयर कर सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ। पहला चीज़ तो इन लोगों ने यही बोल दिया कि भाई कि मैं आपकी डेटा को जो ले रहा हूँ उसको शेयर कर सकता हूँ किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पता चलेगा आपको 5,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है इस ऐप से, इस तरीके का लिखा हुआ है। और नीचे जाओगे भाई तो आपको मेल आईडी मिलेगा, इनका एक मेल आईडी दिया हुआ है, ना कि कोई हेल्पलाइन नंबर ना कि कोई कॉन्टैक्ट नंबर। इसके अलावा जो है नीचे में एड्रेस के नाम पर बस 2 लाइन का एक शॉर्टकट लिखा हुआ है, बस कुछ एड्रेस ही नहीं है, कहाँ कौन स्टेट कौन सा स्टेट में है कौन से कंट्री में है कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, बस 2 लाइन का एक एड्रेस दिया हुआ है। ऐसा कोई एड्रेस होता है क्या यार? खैर छोड़िए, यहाँ आते हैं 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में, जहाँ पर आप लोग देखोगे कि फॉरेनर्स लोग के रिव्यूज़ हैं, इंडियन लोग के रिव्यूज़ हैं ही नहीं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ शुरुआत में क्योंकि इसके बाद जो आपको पता चलेगा ना, उसके बाद हो सकता है कि इस ऐप से लोन लेने का इरादा शायद आपका चेंज हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है बस फॉरेनर्स लोग के रिव्यूज़ देखने को मिल रहा है 5.0 स्टार की रेटिंग में। अब आ जाते हैं 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ की तरफ, जहाँ पर लोगों ने क्लियरली मना किया है कि भाई इस ऐप से लोन के लिए ट्राई मत करना। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई प्ले स्टोर को जो है ऐसी ऐप्स को हटा देना चाहिए क्योंकि लोगों के साथ ये स्कैम कर रही है। कुछ लोगों का कहना ये है कि इस ऐप में दिखाया जा रहा है कि अमाउंट जो है डिसबर्स हो गया है, अकाउंट में भेजा गया है, लेकिन अमाउंट रिसीव ही नहीं हुआ है। कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई हमने जो है रीपेमेंट कर दिया है, लेकिन रीपेमेंट करने के बाद भी वहां पर से जो है लोग मैसेज कर रहे हैं, हमारी एडिटेड फोटोज हमको शेयर कर रहे हैं, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट को शेयर कर रहे हैं कि ये बंदा लोन लिया है, ये लोन के अमाउंट को रीपे नहीं कर रहा है, जबकि लोग रीपे कर चुके हैं उसके बाद भी ये हाल है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि ये लोग जो है 5वें दिन से ही मैसेजेस करना चालू कर देते हैं लोन का रीपेमेंट करने के लिए विद आपका एडिटेड फोटो और कॉन्टैक्ट लिस्ट। इसके बाद जो है ये लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी फोटो शेयर करने लगते हैं आपका, ये लिख करके कि भाई बंदा लोन लिया है, लोन रिपे नहीं कर रहा है, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें। अब इस 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में जो भी चीज़ें लिखी हुई है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपका डिसीजन चेंज हो जाए। जो मेरा ओपिनियन होने वाला है वही ओपिनियन शायद आपका भी हो जाए। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि भाई इस तरीके की लोन ऐप से जो है दूरी रहो, जो कि 5 दिन का नाम पर जो है आपको लोन दे रहा है, प्लस में जितना अमाउंट दिखाया गया उतना मिल भी नहीं रहा, उससे आधा मिल रहा है। तीसरी बात यह है कि भाई लोगों को एडिटेड फोटोज शेयर किया जा रहा है, कॉन्टैक्ट वालों को शेयर किया जा रहा है, आपको किया जा रहा है, बहुत लोगों को लोन भी रिसीव नहीं हुआ है। तो ऐसे लोन ऐप से लोन लेने के लिए ट्राई मत करना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पर अगर आपको ऑलरेडी लोन रिसीव हो गया है तो आपको खास तौर पर यह ध्यान रखना है कि उसका रीपेमेंट जरूर करना है। रीपेमेंट करने के समय में प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर से बना लीजिएगा, ऐसी रीपेमेंट नहीं करिएगा, किसी और फोन की हेल्प से जो है आपको प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग आना है, उसमें ये शो करना है कि किस तरीके से आप उस ऐप में गए हो, कैसे आपने UPI कॉपी किया है, कैसे आपने रीपेमेंट किया है, पूरा प्रोसेस एक वीडियो रिकॉर्डिंग में होना चाहिए। अगर ये लोग अपडेट नहीं करते हैं या कोई भी दिक्कत बताते हैं, बाद में फिर से रीपेमेंट करने के लिए बोलते हैं, तो आप इन लोगों को ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर ये लोग फिर भी नहीं मानते हैं उस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप साइबर क्राइम में जाकर के कंप्लेन कर देना। आई होप गाइस आप लोग मेरी बात को समझ गए हो। एक बात और शेयर करना चाहूंगा, अगर आपको लोन लेना ही है किसी भी लोन ऐप से तो यहां पर एक वीडियो को फ्लैश कर दूंगा, उसको जरूर से देख लेना। उसमें मैंने कोई लोन ऐप का प्रमोशन नहीं किया, मैंने उसमें बताया है कि आपको किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है किसी भी लोन ऐप से लोन लेने के समय में, ताकि आपके साथ जो है स्कैम नहीं हो। उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी ऑनलाइन स्कैम हुआ है उसकी जानकारी आप मुझ तक पहुंचा सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहां पर हमेशा आपको ना अवेयरनेस वाली वीडियोस देखने को मिलेगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में, थैंक यू सो मच।